दोस्तों, एक्टिव एकेडमी इस ऑनलाइन दुनिया में वरुण सर मैं एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज का जो टॉपिक है, कल हमने जो पढ़ा था मुंबई बंदरगाह, उससे पहले हम कांडला बंदरगाह पढ़ चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है नाहवा सबो बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? नाहवा सबो बंदरगाह। देखिए, जो नाहवा सबो बंदरगाह है ये है तो महाराष्ट्र में, लेकिन महाराष्ट्र के नवी मुंबई नामक स्थान। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के नवी मुंबई नामक स्थान पर नाहवा सबो बंदरगाह है, ठीक है। यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? नाहवा सबो बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है। पहली बात तो नाहवा सबो बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? नवी मुंबई में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। इसे भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह अर्थात मानव द्वारा निर्मित है। प्राकृतिक बंदरगाह की यदि बात होती कि सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई बंदरगाह। सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह की बात हो, सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो नाहवा सबो बंदरगाह है। नाहवा सबो बंदरगाह का वर्तमान नाम है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह। क्या नाम है बोलिए? जवाहरलाल नेहरू अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह है। इस बंदरगाह का वर्तमान नाम क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह है। क्लियर हो गया। यह एशिया का महत्वपूर्ण कंटेनर डिपो है। यह बंदरगाह एशिया का महत्वपूर्ण कंटेनर डिपो। यहाँ से ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव बनते हैं दोस्तों, ठीक है। इस बंदरगाह से मोटर वाहनों का सर्वाधिक व्यापार। इसका सर्वाधिक व्यापार होता है, मोटर वाहनों का सर्वाधिक व्यापार होता है। तो ध्यान से सुनेगा, नाहवा सबो बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में नवी मुंबई नामक स्थान पर स्थित है। यह बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? नाहवा सबो बंदरगाह है दोस्तों, ठीक है। इस बंदरगाह का वर्तमान नाम क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। ये एशिया का महत्वपूर्ण कंटेनर डिपो है और मित्रों यहाँ से सर्वाधिक मोटर वाहनों का व्यापार किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका ये टॉपिक क्लियर होता है नाहवा सबो बंदरगाह। एक्टिव एकेडमी पर बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने चैनल को आगे सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।